हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स, जिसमें हमने सबसे पहला चैप्टर शुरू किया था विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि विद्युत फ्लक्स क्या होता है, विद्युत फ्लक्स का जो मात्रक क्या होता है, इसका सूत्र क्या होता है। उसके बाद हम देखेंगे कि विद्युत फ्लक्स के प्रकार कितने होते हैं, जो धनात्मक फ्लक्स होता है वो क्या होता है, ऋणात्मक फ्लक्स क्या होता है, इसके बारे में हम सब कुछ जानने वाले हैं दोस्तों। तो जिनको परिभाषा समझने में दिक्कत आते हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि वीडियो के अंत तक बने रहिए, आपको डेफिनेशन, एक एक का डेफिनेशन आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप दूसरी वीडियो को देखना नहीं पड़ेगा, आप इस वीडियो में इस टॉपिक को बहुत ही आसानी से समझ लेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम देख लेते हैं। सबसे पहले चैप्टर का नाम लिख दें, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ठीक है, तो विद्युत आवेश तथा क्षेत्र चैप्टर का नाम है। इसमें हम देखने वाले हैं सबसे पहले विद्युत फ्लक्स। ठीक है, तो विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, तो याद रखेंगे दोस्तों, इसको डेफिनेशन समझने के लिए हम एक फिगर बनाते हैं। ठीक है, तो इस विद्युत फ्लक्स में बताया गया था कि कोई भी आवेशित पिंड है, मान लेते हैं ये कोई आवेशित पिंड है। ठीक है, समझिएगा, तो कोई भी आवेशित पिंड है तो इससे क्या होंगी, विद्युत बल रेखाएँ क्या होंगी, निकलेंगी, बहुत सारी विद्युत बल रेखाएँ निकलेंगी। ठीक है, ऐसे, और आएंगे भी विद्युत बल रेखाएं, बहुत से विद्युत बल रेखाएं क्या होंगे, आएंगी और जाएंगे। तो इससे ये क्या है, ये आवेशित पिंड है। इसको मैं लिख दे रहा हूं, थोड़ा सा यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, आवेशित पिंड है, पिंड मतलब वस्तु है। ठीक है, और ये जो है ये क्या है, विद्युत बल रेखाएं हैं, विद्युत बल रेखाएं। ठीक है, तो ये विद्युत बल रेखाएं हैं। ठीक है, और ये क्या हो रही है, विद्युत बल रेखाएं आवेश आवेश पिंडों की ओर आ रही हैं और जा भी रही हैं। देखिए, ये जा रहा है और ये आ रहा है। ठीक है, ये भी आ रहा है, ये जा रहा है, ये भी जा रहा है। तो जो आ रही हैं और जा रही हैं, इन बल रेखाओं के इन्हीं संख्याओं को, मतलब विद्युत बल रेखाओं की जो संख्या होती है, जो संख्या होती है, और इसी संख्या को हम क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो याद रखेंगे दोस्तों, जो जो विद्युत बल रेखाएं तो बहुत सारी निकलेंगी, परंतु जो पृष्ठ पर लंबवत होंगी, जो इनके पृष्ठ पर लंबवत होंगी, वही क्या कहलाएंगी, उन्हीं को, उनकी संख्या को ही केवल क्या कहते हैं, उन्हीं संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो आपको समझ में नहीं आया होगा, तो डेफिनेशन हम क्या कहेंगे, डेफिनेशन हम यही कहेंगे कि किसी आवेशित पिंड से आने और जाने वाली, देखिए ये जाने वाली है, ये आने वाली है, तो हम यही कह रहे हैं कि किसी आवेशित पिंड से आने और जाने वाली समस्त लंबवत विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। समझ में आया क्या कहा जा रहा है, किसी आवेशित पिंड से लंबवत आने और जाने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो आपको यहाँ से याद रखना है, जो जो विद्युत बल रेखाएं हैं ये क्या है, लंबवत है कि नहीं, पृष्ठ पर लंबवत होने चाहिए। ठीक है, और देख रहे हैं ये आ रहा है और ये जा रहा है, तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि आवेशित, मतलब किसी आवेशित पिंड से लंबवत आने और जाने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको यहाँ से फिगर से आपको समझ में आ गया होगा। और मैं यही कहूँगा कि डेफिनेशन को दो ही तरीके से याद करते हैं, या तो उसके फॉर्मूले से या उसके फिगर से। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। तो मैं एक बार अंत में एक बार और बोल दे रहा हूँ, आप डेफिनेशन को लिखिए। तो आप लिखेंगे क्या, किसी आवेशित पिंड से लंबवत आने और जाने वाली समस्त विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो मैं डेफिनेशन लिख दे रहा हूँ, डेफिनेशन ये लिखेंगे कि किसी आवेशित पिंडों से लंबवत आने व जाने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को शॉर्ट में नहीं लिखेंगे, संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, तो विद्युत फ्लक्स का यहाँ पे डिफिनेशन लिख दिया जा रहा है, क्या लिखा गया है, किसी आवेशित पिंड से लंबवत आने और जाने वाली
समस्त विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो आशा करते हैं विद्युत फ्लक्स आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं इसके जो होता है फॉर्मूले पे। तो याद रखेंगे दोस्तों, जो विद्युत फ्लक्स होता है इसमें जो पृष्ठ होता है, जो आवेशित पिंड होता है, उसका जो पृष्ठ होता है वो अल्पांश होता है। मतलब ये अल्पांश पृष्ठ है, इसे हम डीएस पृष्ठ कहते हैं। अल्पांश पृष्ठ का मतलब कोई बड़ा सा पृष्ठ है, समझिएगा। मान लेते हैं ये कोई बड़ा सा पृष्ठ है, ये बड़ा सा कोई सतह है, और इस सतह को हम एस से, पृष्ठ को हम एस से दर्शाते हैं, सरफेस मतलब एस है, ठीक है। और इसी सरफेस का एक छोटा सा भाग में ये निकाल देता हूँ तो इसे ही हम क्या कहते हैं, डीएस कहते हैं। मतलब ये क्या हो गया, इस पृष्ठ का ये छोटा सा भाग हो गया, तो यही छोटा सा भाग है तो इसे हम अल्पांश पृष्ठ कहते हैं। अल्पांश मतलब छोटा सा पृष्ठ कहते हैं, जिसे हम डीएस पृष्ठ कहते हैं, डीएस से दर्शाते हैं। तो आशा करते हैं समझ में आगे होगा डीएस पृष्ठ। तो ये डीएस पृष्ठ है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, ये डीएस पृष्ठ है। और इस पृष्ठ पर एक लंब हमने खींच दिया, इस डीएस पृष्ठ पर हमने एक क्या खींच दिया, लंब खींच दिया, जिसे हमने एल से दर्शाया, ठीक है। ये क्या है, लंब है, ठीक है, इस पृष्ठ पर, ठीक है। और याद रखेंगे ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा है, ठीक है। और याद रखेंगे लंब और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच बने कोण को हम थीटा से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, तो ये याद रखेंगे आपको। तो यहाँ से जो हमें विद्युत बल रेखाएं, विद्युत फ्लक्स का जो सूत्र होता है, याद रखेंगे दोस्तों, इसे हम विद्युत फ्लक्स को फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। तो फाई ई इक्वल टू होता है, फाई ई इक्वल टू होता है ई डी एस कॉस थीटा, ई डी एस कॉस थीटा। तो ये है विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला, क्या है, ई डी एस कॉस थीटा, जहाँ पर ई क्या है, जहाँ पर जो ई है ये क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, डी एस क्या है, डी एस है पृष्ठ है, और जो ये कॉस थीटा, जो ये थीटा है ये याद रखेंगे लंब और विद्युत क्षेत्र के बीच बने कोण है जो थीटा है, ठीक है। तो याद रखेंगे दोस्तों, ये आप फिगर्स को आपको समझना है कि ये जो पृष्ठ है, ये जो आपको पृष्ठ है, यहाँ पे जो लंब है वो इस प्रकार लंब है, समझिएगा, समझिएगा, ये इस प्रकार लंब है, और जो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो इस प्रकार है, और जो लंब और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मतलब ऐसे है, तो इन दोनों के बीच जो बनेगा कोण, उन कोण को हम क्या कहते हैं, उन वही कोण है थीटा। तो याद रखेंगे ये विद्युत फ्लक्स का सूत्र हो गया ई डी एस कॉस थीटा। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब विद्युत फ्लक्स को याद रखेंगे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे हम देखते हैं इसका जो होता है, इसके प्रकार कौन कौन सी होती हैं। तो मैं इसको मिटका दे रहा हूँ। अब हम देखेंगे इसका प्रकार। तो याद रखेंगे दोस्तों, इसके दो प्रकार होते हैं, ठीक है। सबसे पहला प्रकार होता है जो है धनात्मक फ्लक्स, ठीक है, और दूसरा होता है ऋणात्मक फ्लक्स, ठीक है। तो धनात्मक और ऋणात्मक फ्लक्स क्या होते हैं, इसको हम समझते हैं। तो याद रखेंगे दोस्तों, इसको मैं फिगर से ही बता रहा हूँ। देखिए, मान लेते हैं ये कोई आवेशित पिंड है, तो आवेशित पिंडों से लंबवत, याद रखेंगे आवेशित पिंडों से लंबवत, ये क्या है, लंबवत है, आवेशित पिंडों से लंबवत, याद रखेंगे दोस्तों ये जो है लंबवत जाने वाली, ठीक है, याद रखेंगे जाने वाली, केवल जाने वाली विद्युत बल रेखाओं को, ये क्या है, विद्युत बल रेखाएं हैं, विद्युत बल रेखाएं हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे दोस्तों, किसी आवेशित पिंड से लंबवत जाने वाली, लंबवत जाने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को धनात्मक फ्लक्स कहते हैं। मतलब धनात्मक फ्लक्स में केवल लंबवत विद्युत बल रेखाएं जो जा रही होंगी, जो इस पिंड से, आवेशित पिंड से निकल रही होंगी, उन निकलने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को ही हम क्या कहते हैं, धनात्मक फ्लक्स कहते हैं। तो याद रखेंगे दोस्तों, धनात्मक फ्लक्स का डिफिनेशन क्या कहेंगे, किसी आवेशित पिंड से लंबवत, किसी आवेशित पिंड से लंबवत जाने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को धनात्मक फ्लक्स कहते हैं। तो आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। तो मैं एक बार और सीक्वेंस में बोल रहा हूँ, आप लिखिए, क्या लिखेंगे, किसी आवेशित पिंड से लंबवत जाने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स, सॉरी धनात्मक फ्लक्स कहते हैं। तो मैं इसका डेफिनेशन लिख दे रहा हूँ, लिखेंगे यही किसी आवेशित
पिंड से लंबवत जाने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को धनात्मक फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, तो धनात्मक फ्लक्स क्या कहा गया है, किसी आवेशित पिंड से लंबवत जाने वाली या निकलने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को धनात्मक फ्लक्स कहते हैं। तो आप यहां से नहीं, किसी भी डिफिनेशन को यहां से जो लिखा जा रहा है यहां से नहीं, आप फिगर से याद रखिएगा, किसी आवेशित पिंड से लंबवत जाने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को धनात्मक फ्लक्स कहते हैं। मैं डिफिनेशन इसलिए लिखवा देता हूं बोर्ड पे क्योंकि मैं नोट्स प्रोवाइड अभी नहीं कर रहा हूं, तो इसके लिए मैं कहता हूं कि मतलब कोई भी जो कमजोर स्टूडेंट है उनको भी दिक्कत ना हो, बोल के जो बताया जा रहा है तो वो नहीं लिख पाते हैं तो उनके लिए मैं लिखवा देता हूं। ठीक है, जब नोट्स प्रोवाइड करने लगूंगा तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको बोलकर ही अच्छे से बता दिया जाए, जबकि आपको जब बोला जाए तो आप डिफिनेशन को लिख लें। ठीक है, अब आते हैं हम ऋणात्मक फ्लक्स से। तो याद रखेंगे दोस्तों, जो ऋणात्मक फ्लक्स जस्ट इसके अपोजिट होता है, इसमें क्या हो रही है, इसमें जाने वाली और उसमें क्या होंगे आने वाले, उसमें क्या होंगे आने वाली जो विद्युत बल रेखाएं होंगी उसे हम ऋणात्मक फ्लक्स कहते हैं। मतलब ये कोई क्या है, ये कोई आवेशित पिंड है। ठीक है, तो आवेशित पिंडों से जो लंबवत, याद रखेंगे आवेशित पिंडों हैं, तो इन आवेशित पिंडों से क्या होंगे लंबवत, ये पृष्ठ पर लंबवत होंगी, तो लंबवत क्या होंगी आने वाली, लंबवत आने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम क्या कहते हैं, ये लंबवत देख रहे हैं प्रवेश कर रही है ना, आ रही है, तो ये कौन सी है विद्युत बल रेखाएं हैं, विद्युत बल रेखाएं हैं, और ये क्या है आवेशित पिंड है। तो हम इसका डिफिनेशन क्या कहेंगे, किसी आवेशित पिंड से लंबवत आने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को ऋणात्मक फ्लक्स कहते हैं। तो आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा, तो एक बार और मैं बोल रहा हूं, क्या लिखेंगे, किसी आवेशित पिंड से लंबवत आने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को ऋणात्मक फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं समझ में आ गया होगा, तो मैं डेफिनेशन लिख दे रहा हूं, लिखेंगे ही किसी आवेशित पिंड से लंबवत आने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को ये हम क्या कहते हैं ऋणात्मक फ्लक्स कहते हैं। मतलब किसी आवेशित पिंड से लंबवत आने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को ऋणात्मक फ्लक्स कहते हैं। तो आपको यहां से याद रखना है, किसी आवेशित पिंड से लंबवत आने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को ऋणात्मक फ्लक्स कहते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों कि आपको विद्युत फ्लक्स और विद्युत फ्लक्स के दोनों प्रकार आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो यदि वीडियो को से आपको सीखने को मिला हो, यदि वीडियो के अंत तक आपको परिभाषा याद हो गया होगा, यहाँ से समझ में आ गया होगा, तभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अदरवाइज यदि आपको कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के संबंध में, तो उस टॉपिक का नाम लिखिए यूट्यूब पर और अंत में हमारे चैनल का नाम लिख दीजिए, वीडियो वहां से भी मिल जाएंगे, आप वहां से भी जाकर अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हैं। अदरवाइज यदि आप क्लास 12th फिजिक्स का बहुत ही आसानी से और चैप्टर वाइज सिक्वेंस में पार्ट 1 पार्ट 2 करके ऐसे देखना चाहते हैं वीडियो, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाएगा क्लास 12th फिजिक्स ऑल वीडियो प्लेलिस्ट का, उस लिंक पर क्लिक करके आप चैप्टर वाइज सिक्वेंस में एक एक करके वीडियो को पढ़ सकते हैं और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।